अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो के शुरू में जो आपने ज़बरदस्त सा चैनल इंट्रो देखा, आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ऐसा ही ज़बरदस्त चैनल इंट्रो बनाना सिखाऊंगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने काइनमास्टर ऐप को ओपन करके क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। 16.9 के ऊपर रख के आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इधर आपने कॉर्नर में इमेज के ऊपर क्लिक करना है। ब्लैक इमेज को सिलेक्ट करके आपने क्रॉस के ऊपर क्लिक कर देना है। ब्लैक इमेज की लेंथ को बढ़ा के आपने कुछ इस तरह से 12 के करीब आपने इसकी लेंथ को इस तरह कर देना है। उसके बाद आपने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद अभी आपने अपने चैनल का लोगो इधर ऐड करना है। चैनल का लोगो ऐड करने के लिए आपने लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी, जिधर भी आपका लोगो पड़ा हो उसको आपने इधर ला के इस तरह से उसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देना है। लोगो इधर लाने के बाद आपने लोगो के ऊपर क्लिक करके इसकी लेंथ को भी बढ़ा के ब्लैक इमेज की लेंथ के बराबर इस तरह कर देना है। उसके बाद आपने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद अभी मैं इधर एक टेम्पलेट ऐड करने लगा हूँ। ये जो मैं टेम्पलेट ऐड करने लगा हूँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और, ये बिल्कुल नॉन कॉपीराइटेड है, इसके ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, कोई क्लेम नहीं आएगा, तो आप अपनी किसी भी वीडियो में इसको बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट ऐड करने के लिए आपने लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी, जिधर भी आपका टेम्पलेट पड़ा हो उसको इधर ले आना है। टेम्पलेट इधर लाने के बाद ये जो साइड पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं, इनमें से आपने स्प्लिट स्क्रीन वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और सेंटर वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस तरह से इसको बीचों बीच सेंटर में फिट कर देना है। उसके बाद आपने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद ये देखें, हमारे टेम्पलेट की लेंथ जो है वो थोड़ी छोटी है और ब्लैक इमेज की लेंथ और लोगो की लेंथ जो है वो बड़ी हो गई है। तो आपने इस तरह से पहले ब्लैक इमेज के ऊपर क्लिक करके इसकी लेंथ को थोड़ा छोटा कर लेना है। उसके बाद लोगो के ऊपर क्लिक करके लोगो की लेंथ को इस तरह से छोटा करके ये देखें, अभी तीनों चीज़ों का साइज़ बराबर हो गया है। अभी आपने क्या करना है, ये जो टेम्पलेट के अंदर से आपको ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए आपने टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। साइड पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, नीचे आपने आना है क्रोमा की के ऊपर। क्रोमा की के ऊपर आने के बाद आपने इसको कर देना है इनेबल। इनेबल करने के बाद ये देखिए ग्रीन एरिया रिमूव हो गया, हमारा लोगो जो है वो बीच में से नज़र आना शुरू हो गया है। इसको कर दें ओके। ओके करने के बाद लोगो बराबर फिट नहीं आ रहा, तो लोगो के ऊपर क्लिक करके इस तरह से थोड़ा छोटा करें। ये देखें बीचों बीच हमारा लोगो बराबर फिट हो गया है। उसके बाद इसको कर दें ओके। ओके करने के बाद अभी आपने इधर अपने चैनल का नेम ऐड करना है। चैनल का नेम ऐड करने के लिए प्ले हेड जो है ये रेड कलर का, इसको आपने कुछ इस तरह से इस पॉइंट के ऊपर ले आना है। इसके पॉइंट के ऊपर लाने के बाद आपने इधर अपने चैनल का नेम ऐड करना है। पहले आप इसको इस पॉइंट पे ले आएँ, फिर आपने इधर नेम ऐड करना है। इस पॉइंट पे ला के आपने लेयर के ऊपर क्लिक करना है। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और अपने चैनल का नेम टाइप कर लेना है। जो भी आपके चैनल का नेम हो उसको आपने इधर टाइप कर लेना है। जैसे अभी मेरे चैनल का नेम ये है, तो मैं अपने चैनल का नेम टाइप कर लेता हूं। उसके बाद आपने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए आपने डबल ए के ऊपर क्लिक करना है। डबल ए के ऊपर क्लिक करने के बाद बहुत सारे फॉन्ट आपको इधर से मिल जाते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो फॉन्ट आप इधर से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो फॉन्ट आज इस्तेमाल करने वाला हूँ उसका नाम है मोटिफाइड ड्रिप, ठीक है। तो आप भी अपनी भी पसंद का जो भी आपको इधर से फॉन्ट पसंद हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कलर भी आपके सामने बेशुमार है, जो भी आपको कलर पसंद हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ऑरेंज कलर सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इसको कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद इसको थोड़ा इधर आपने नीचे लाना है और इसको थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर देना है। साइज़ बड़ा करने के बाद आपने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपने इसकी लेंथ, ये देखें थोड़ी छोटी है, तो इसकी लेंथ को भी बढ़ा के आपने बाकी चीज़ों के बराबर इस तरह कर देना है। बाकी चीज़ों के बराबर इसकी लेंथ को करने के बाद आपने इसके अंदर एनिमेशन देना है। एनिमेशन देने के लिए आपने इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है। इधर से फैड को सिलेक्ट करना है और इसकी स्पीड को आपने 1.5 के ऊपर इस तरह से सेट कर देना है। उसके बाद आपने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद ये आपको इधर साइड पे सेटिंग वाली ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने वीडियो फेड आउट को कर देना है ऑन। इसको ऑन करने के बाद आपने इसकी स्पीड को इस तरह से 1.00 पे सेट करके
क्रॉस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके इसका वॉल्यूम इस तरह से फुल कर देना है। मुकम्मल तौर पे हमारा इंट्रो रेडी हो गया, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ज़बरदस्त सा हमारा चैनल इंट्रो रेडी हो गया। इसको सेव करने के लिए आपने एरो के ऊपर क्लिक करना है। एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सेव एज वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। ये आपके मोबाइल की गैलरी में सेव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप इसको अपनी किसी भी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी और नई नई चीज़ें सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चलें अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।